Path Sun's Rishing. Niravi says Manaskaya. Sri Veeraswamine Namah. Sri Veeraswamine Namah. Aradhyay ke Sri Charanon mein Vandanam. Samupasthit Dharmanuragi Bhaiyon evam Bhinon. जब हम अपने चारों तरफ दृष्टिपात करते हैं, सिंगावलोकन करते हैं, तो हमें प्रतीत होता है कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ, जितना भी विकास हुआ है, उसका मूल आधार है गति, स्पीड। यदि गति ना हो, स्पीड ना हो, तो विज्ञान निकम्मा हो जाएगा और विकास का रथ जो है वह रुक जाएगा। तो जितना भी विकास हुआ है उसका मूल आधार बताया गया गति, स्पीड। जैन आगमों में भी गति के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है और कहा गया कि जितना भी परिवर्तन हो रहा है वो सारा का सारा परिवर्तन गति के आधार पर हो रहा है। आज हम यहाँ पे हैं, पता नहीं कल कहाँ होंगे। और यदि एक जन्म के बाद में दूसरे जन्म में जाएंगे तो भी पता नहीं कहाँ जाएंगे, कुछ भी पता नहीं। सारा का सारा परिवर्तन जो हो रहा है वह गति के आधार पर हो रहा है। लेकिन हम एक बात को स्वीकार करना होगा कि गति सबकी समान नहीं होती, स्पीड सबकी समान नहीं होती है, सबकी गति में परिवर्तन होता है। और सबसे ज्यादा तीव्र गति यदि है तो आप देखें परमाणु, परमाणु पुद्गल का एक पार्ट है जिसको हम मैटर कहते हैं। जैनोलॉजी में जैन दर्शन की हमारी टर्मिनोलॉजी है, जैन दर्शन की भाषा में कहते हैं परमाणु। पदार्थ का द्रव्य की सबसे छोटी इकाई जो अविभाज्य है, जिसके कोई और भाग नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उस अविभाज्य इकाई को कहते हैं परमाणु। परमाणु लोकांत के एक भाग से दूसरे लोकांत तक, दूसरे भाग तक बहुत तीव्र गति से पहुंच सकता है, यानी एक ही समय में एक पलक झपकाए उतने में तो असंख्य समय बीत जाते हैं। और परमाणु की गति इतनी तीव्र होती है कि नीचे के लोकांत से लेकर के ऊपर के लोकांत तक वह पहुंच जाता है। आप परमाणु की बात और देखें, छोड़ दें, हमारे मन की गति कितनी तीव्र है, मन की स्पीड कितनी तीव्र है। पता नहीं हम यहां बैठे हुए हैं और यहां बैठे बैठे कहां जाकर के वापस भी आ सकते हैं। तो मन की गति भी बड़ी तीव्र होती है, तेज होती है। ये तो सूक्ष्म गति है। यदि हम स्थूल जगत में देखें, बाह्य जगत में देखें, तो आपको हमेशा आप सुनते हैं लाइट की स्पीड, साउंड की स्पीड। उससे स्थूल में जाए, ग्रॉस में जाए, तो जो भूमि पर चलने वाले जितने भी वाहन हैं, उनकी भी अपनी गति होती है। आकाश नभ पर चलने वाले जो विमान है, रॉकेट है, उनकी गति भी बड़ी तीव्र होती है। लेकिन इन सब गति से अलग एक ऐसा भी विमान होता है जो विमान विद्या के द्वारा चलता है। ऐसा विमान कि जिसमें कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं होती, ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, एक ऐसा विमान जिसमें इंजन की आवश्यकता नहीं होती, एक ऐसा विमान जिसमें ड्राइवर की अपेक्षा नहीं होती, किसी भी साधन की जरूरत नहीं होती, वह विद्या के द्वारा चलता है। और विद्या के द्वारा जो विमान चलते हैं वो इतनी
कि एक ही समय में कुछ ही क्षणों में कहीं से कहीं तक आपको ले जा सकते हैं। विद्याधरों के पास ऐसे ही विमान हुआ करते थे। हम बात करते हैं विद्याधर व्योम गति की, काफी लोग नए हैं थोड़ा पिकअप करना। व्योम गति विद्याधर कुमार जम्बू को विमान में बिठा करके कुछ ही समय में केरला के आसपास, जहां विद्याधर रत्नचूर की सेना छावनी डाले हुए थी, वहां वो पहुंच गए। जब रत्नचूर की सीमा में पहुंचे, तब विद्याधर व्योम गति ने कुमार को संबोधित करते हुए कहा, कुमार यह वही क्षेत्र है जहां पर रत्नचूर की सेना छावनी डाले हुए बैठी हुई है, तुम जरा नीचे देखो। कुमार ने देखा तो कुमार ने व्योम गति से कहा, ठहरो, मुझे इसी जंगल में छोड़ दो। व्योम गति ने कहा, अरे इतना घना जंगल, विशाल सेना, और तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुमको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं यहां पे? कुमार ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुमको जहां जाना हो वहां चले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं क्या करता हूं जो नहीं हो सकता है उस काम को मैं कर सकता हूं। जब ये बात कुमार ने कही, तब विद्याधर को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। विद्याधर ने कुमार को कहा, संबोधित करके, कुमार तुम जानते हो नीतिकारों ने तीन प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया है कि जितने भी पुरुष होते हैं, आदमी हैं, वो तीन कैटेगरी, उनकी तीन कैटेगरी होती है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अधम पुरुष। उत्तम पुरुष की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बोलते नहीं और करते हैं, जो बोलते नहीं है लेकिन करके दिखाते हैं, ऐसे पुरुष उत्तम कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं और करके दिखाते हैं वो पुरुष मध्यम कैटेगरी में आते हैं, और जो बोलते हैं और करते कुछ नहीं है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अधम कैटेगरी में आते हैं। जब ये बात विद्याधर ने कुमार को बताई, तो जब वो कुमार बोले कि विद्याधर तुम चिंता मत करो, मैं बोलता नहीं, बहुत कम बोलता हूं, और जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं, लेकिन मुझे खेद इस बात का हो रहा है, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि तुम विद्याधर हो, विद्याओं के स्वामी हो, विमान में बैठ करके जाते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर तो आत्मविश्वास ही नहीं, कितने कमजोर हो, डर रहे हो और कह रहे हो कि अकेले क्या कर रहे हो। यदि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता, जिस व्यक्ति में दृढ़ संकल्प नहीं होता, दृढ़ अत्यवसाय नहीं होता, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। व्योम गति, तुम तो ऐसे डरपोक विद्याधर हो, तुमको जहां जाना हो वहां चले जाओ, लेकिन मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझे अपने शक्ति पर, अपनी श्रद्धा पर, मुझे अपने संकल्प बल पर, आत्मबल पर भरोसा है, इसलिए मैं जो करूं तुम देखते जाओ, तुमको जहां जाना है वहां चले जाओ। ऐसी ललकार सुनी कुमार की तो व्योम गति को भी थोड़ा ऐसा लगा कि लगता है उम्र से छोटा है लेकिन संकल्प बल इसका बड़ा मजबूत है, आस्था इसकी बड़ी मजबूत है। और मृगा को व्योम गति विद्याधर कुमार को वही जंगल में छोड़ दिया, और छोड़ करके राजा मृगांक, विद्याधर मृगांक के पास विमान में बैठ के चला गया। अब मृगांक चला गया, कुमार
जंगल में, घने जंगल में नीचे उतर गया। चारों तरफ देखा, इधर उधर देखा तो बहुत बड़ी छावनी लगी हुई थी। और कुमार ने कहा कि लगता है यही वो रत्नचूर की छावनी है, और मेरा लक्ष्य कहाँ है, रत्नचूर के पास पहुंचना। वह अपने एक लक्ष्य के साथ, संकल्प के साथ छावनी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य ये नहीं कि कोई हारे और कोई जीते। उम्र में छोटा लेकिन लक्ष्य बड़ा ऊंचा था, वैसा ही लक्ष्य था उसका। कहते हैं एक बार फकीर प्रार्थना कर रहा था और किसी युवक ने आकर के कहा, फकीर जी आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन पहले खोज तो करो कि परमात्मा है या नहीं। यदि परमात्मा नहीं तो प्रार्थना करने से क्या फायदा, तो पहले खोजबीन करो कि परमात्मा है या नहीं, उसके बाद में प्रार्थना करना। लेकिन फकीर ने बड़ा मार्मिक आंसर दिया और फकीर ने कहा कि मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि परमात्मा है या नहीं, मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ कि परमात्मा को होना पड़ेगा। कितनी आस्था, कितना बड़ा विश्वास कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो परमात्मा को मेरे सामने आना ही पड़ेगा, एक्जिस्टेंस उनका अस्तित्व होगा ही होगा। ठीक वैसे ही कुमार जम्बू इसी विश्वास के साथ, इसी लक्ष्य के साथ आगे चरण भर रहे हैं कि रत्नचूर जीते या कोई हारे या कोई जीते, मेरा लक्ष्य ये नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि जहाँ सत्य है, जहाँ न्याय है, जहाँ धर्म है, उसकी विजय जरूर होगी। और मुझे सत्य को जीताना है, मुझे न्याय को न्याय दिलाना है, मुझे धर्म को जीवंत रखना है। उसी लक्ष्य के साथ कुमार दृढ़ संकल्प के साथ छावनी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब छावनी की तरफ बढ़े, स्ट्रॉन्ग पहरा था, चारों तरफ सैनिक खड़े हुए थे, लेकिन दृढ़ आस्था के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ जब वो छावनी के अंदर घुस गए, लेकिन किसी भी सैनिक की हिम्मत नहीं हुई कि कुमार को कोई रोके। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक तथ्य है कि जैसे भाव होते हैं, जैसा संकल्प होता है वैसा हमारा ऑरा होता है, हमारा आभा मंडल होता है। और जब जैसा हमारा आभा मंडल होता है वैसे हमारे भाव होते हैं। यहां तक कहा कि स्थूल शरीर, हमारा जो औदारिक शरीर है या हमें जो बॉडी दिखाई दे रही है, स्थूल शरीर और हमारे ऑरा, हमारे आभा मंडल में गहरा संबंध होता है। ऐसा संबंध होता है जैसे दूध और पानी में होता है। दूध और पानी को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक वैसे आपके शरीर के चारों तरफ जो ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, तो स्थूल शरीर के साथ और उस ऑरा के साथ, आभा मंडल के साथ वैसा संबंध होता है जैसे दूध और पानी के साथ। परंतु ऑरा के कुछ स्पंदन, कुछ कण, कुछ चुंबकीय कण, रेडियो विकिरण जो है वो हमारे स्थूल शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और जो हमारे शरीर के सराउंडिंग जो ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, उस आभा मंडल में हमारी चेतना, चेतना तो ऊर्जा होती है, हमारे प्राण एनर्जी होती है। और जो ऑरा में जो प्राण एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, जो अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन, वो ऊर्जा दूसरे समीपवर्ती व्यक्ति के शरीर पर और मन पर भी प्रभाव डालता है। बात आपकी गले उतर रही होगी, समझ में आ रही होगी। जब भी आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, शुभ भावों में रहते हैं, शुभ विचारों में रहते हैं,
रहते हैं तो हमारा ऑरा, हमारा आभामंडल बड़ा सशक्त बनता है, पवित्र बनता है, शुद्ध बनता है। और वह ऑरा, वह जो उसमें एनर्जी होती है, प्राण एनर्जी, वो एनर्जी दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित करती है और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना अट्रैक्टिव होता है, वो ऐसी मुद्रा बन जाती है, मोहनी मुद्रा, कि सामने वाला व्यक्ति यदि रोकना भी चाहे उसे तो रोक नहीं सकता है, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो कुमार जम्बू का ऑरा संकल्प और शुभ भावों के कारण इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि वो छावनी में घुस गए और सैनिक उसको देख रहे हैं, लेकिन सैनिकों की हिम्मत नहीं हुई कि कुमार को कोई रोक सके। आप सब जानते हैं कि कोई नया आदमी आता है तो छावनी में नया व्यक्ति का आरक्षित प्रवेश आरक्षित होता है। कोई नया अजनबी आदमी छावनी में प्रवेश नहीं कर सकता है। और कुमार जम्बू तो छिप कर के नहीं जा रहे थे, वो तो मैन रस्ते से जहां सैनिक पहरा लगा रहे थे वहां से जा रहे थे। यदि कोई छुप के जाए तो अलग बात है, चोरी छुपे जाए या कोई माया करके जाए तो अलग बात है। जैसे राम ने जब लंका में विभीषण की सहायता से छावनी लगाई और छावनी इतनी स्ट्रॉन्ग, व्यू रचना इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि रावण ने अपने दूत को भेजा रूप बदल करके। किसको भेजा, किसी को पता है कौन गया था? हनुमान? नहीं, छावनी में तो हनुमान कहाँ जाएगा, हनुमान तो वही था राम के पास ही। रावण बड़ा विद्याधर था, उसके पास सैकड़ों विद्याएं उसने हस्तगत कर ली थी और मायावी भी था, और उसके पास में जो लोग रहते थे सारी मायावी विद्या वाले थे। तो छावनी में उसने सुख को भेजा, उसके पास एक व्यक्ति था सुख नाम का, वो रूप परिवर्तित करना जानता था विद्या के द्वारा। तो रूप बदल करके सुख और उसका एक साथी और नाम आता है, दोनों वहां गए थे छावनी की छानबीन करने के लिए। तो रूप बदल करके कोई भी घुस सकता जा सकता है। आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, जब शमशेर खान की छावनी लगी हुई थी और कुमार प्रताप बहुत छोटे थे और उसकी छोटी माँ राणा उदय सिंह की पत्नी जो छोटी रानी, उसको उसने कैरी खाने की इच्छा व्यक्त की और कैरी का झाड़ सिर्फ चित्तौड़ में वही जहां शेर खान की छावनी थी वहां पे था। तो कुमार इतना नाजुक वीर था, बड़ा विनम्र भी था और माँ की आज्ञा को मानने वाला था। छोटा होने के बावजूद भी वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, रोक नहीं सका और छावनी में जाने के लिए तत्पर हो गया। लेकिन इतने सैनिक खड़े थे, कैसे जाएगा? एक गाड़ा जा रहा था, साधन जा रहा था और उसमें छुप करके चला गया। तो छुप के कोई भी जा सकता है, माया से कोई भी जा सकता है, लेकिन मैं बात कुमार जम्बू की कर रही हूं। कुमार जम्बू संकल्प का शस्त्र लेकर के, आस्था और विश्वास और श्रद्धा का शस्त्र लेकर के छावनी में आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो सैनिक देख रहे हैं कि कोई अजनबी हमारी छावनी में आ गया है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर के उसको पूछे कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम क्यों आए। किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आपस में बात कर रहे हैं, एक सैनिक दूसरे सैनिक से आपस में बात कर रहे हैं। तो एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा है, अरे देखो तो सही कौन आ रहा है, लगता है उसके रूप को देख करके, उसकी आभा मंडल भाव मंडल को देख करके ऐसा लग रहा है ये कोई मानव तो नहीं, ये कोई देवेंद्र है, कोई इंद्र है। और हमारी छावनी में ये हमारी व्यू रचना देखने के लिए आ
क्योंकि देवता भी तो लड़ते हैं, लड़ते या नहीं लड़ते। चार गति के जीव होते हैं, नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। त्रियंश आपस में लड़ते या नहीं लड़ते हैं? क्या कीर्ति भाई, त्रियंश लड़ते हैं, एनिमल्स आपस में लड़ते या नहीं लड़ते? लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं आपको पता है? मनुष्य मनुष्य आपस में, सीमा बहन कह रही तो कहने की आवश्यकता ही नहीं, हमारी मुस्कान ही बता देती है कि बहुत लड़ते हैं। नारकी की जीव जो है वहां की क्षेत्रीय वेदना भी होती है, परमाधामी देव भी उनको वेदना देते हैं और आपस में भी वो लड़ते झगड़ते हैं। और बचे देवता, देवता इतने वैभवशाली होने के बावजूद भी वो शांति से नहीं बैठते, शांति से नहीं बैठते, उनकी भी लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। एक देवलोक के इंद्र और दूसरे देवलोक के इंद्र आपस में जब लड़ने लगते हैं तो लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि दोनों इंद्र होते हैं उसमें ना किसी की हार होती है और ना किसी की जीत होती है और लड़ाई कभी बंद नहीं होती। यदि कोई मीडिएटर बने, और मीडिएटर भी कौन बन सकता है, उससे ऊपर गति देव गति वाले जीव, जैसे वैमानिक देव, 12 प्रकार के वैमानिक देव होते हैं ना, तो पहले देवलोक के देव दूसरे वैमानिक देव आपस में लड़ते, तो उससे ऊपर वाले देवता यदि कोई आए और बचाए तो बच सकते हैं, लड़ाई बंद हो सकती है, अदरवाइज किसी की हार और जीत आपस में नहीं होती है। और सबकी लड़ाइयां जो होती हैं वो तीन जकार से होती हैं, तीन प्रकार के जकार। कौन से तीन जकार? ज ज लेटर होता है ना, ज ज, हाँ, तो तीन प्रकार के ज, जर, जरा, जर जोरू और जमीन, सॉरी जरा नहीं, जर जोरू और जमीन। जर यानी पैसा, ठीक बोला था हसमुख भाई ने, या तो पैसे के लिए, भाई भाई में भी लड़ाई होती है, किसके लिए होती है, पैसे के लिए। जोरू या औरत के लिए, राजा महाराजाओं की लड़ाइयां देखो, चाहे महाभारत को उठा के देख लो, चाहे रामायण को देख लो, सब में निमित्त कौन बनी है? औरत ही, या तो औरतों के लिए, देवांगनाओं के लिए भी लड़ाइयां होती है। एक देवलोक के देवता दूसरे देवलोक की देवांगनाओं को उठा के ले जाते और फिर आपस में लड़ते। और जमीन, कि जमीन के लिए, भूमि के लिए झगड़ते हैं। तो ये तीन जो है वो लड़ाई के मेन मुख्य कारण होते हैं। तो देवताओं में भी लड़ाई होती है, बात सैनिक की कर रही थी और सैनिक आपस में चर्चा कर रहे हैं कि लगता है कि इंद्र देवताओं की भी लड़ाइयां होती है। तो हमारी व्यू रचना आज बार हमने जो रची है, बड़ी जबरदस्त रची है, इसलिए हमारी व्यू रचना देखने की लगता है कोई देवेंद्र पधारे हैं। एक सैनिक कहता है नहीं नहीं, कोई देवेंद्र कौन आएगा, कोई दानवेंद्र आया होगा, दानव का इंद्र, दानव भी तो लड़ते हैं, तो और कोई आया होगा। तो कोई और ही कह रहा है सैनिक, अरे देवेंद्र क्यों आएगा, लगता है रत्नचूर का कोई दोस्त विद्याधर, कोई विद्याधर आया होगा और हमारे विद्याधर की हेल्प करने के लिए आया होगा। अब कोई कह रहा है कि मायावी कोई झूठ व्यक्ति तो नहीं घुस गया है, ऐसा तो नहीं हमारे आंखों में धोखा दे करके कोई धूर्त व्यक्ति चल रहा है। सभी संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, कल्पनाएं उठ रही हैं भीतर में, आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि कुमार जम्बू को जाकर के कोई पूछे कि प्रश्न करें कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। कुमार पूरी छावनी को पार करके, चीर करके, रत्नचूर का जहां पर प्रवास था, स्थान था, वहां मुख्य द्वार पर जाकर के खड़े हो गए। पूरी कितनी बड़ी छावनी, और एक छोटा सा लड़का कुमार जम्बू रत्नचूर के पास इतना स्ट्रॉन्ग पहरा, उसके बावजूद भी वहां पहुंच गया
आपके मन में भी प्रश्न उठता होगा, क्या पॉसिबल है, क्या संभव है? संभव तो नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है। संकल्प बल से आदमी क्या नहीं कर लेता है। आपने नाम सुना होगा स्टालिन का। स्टालिन ने जॉर्जिया, कहाँ जॉर्जिया का था, कहाँ का था? स्टालिन रूस का था, रूस का था, रशियन था। जब उसने किसी व्यक्ति के बारे में सुना कि वो करतूत दिखाता है और उसमें ऐसी शक्ति है कि वो अपना रूप बदल करके, यानी रूप बदल सकता है, कहीं आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, ऐसी उसके पास विद्या है, स्टालिन को विश्वास नहीं हुआ और उसने उस व्यक्ति को बुलाया और उस व्यक्ति से कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो उसने कहा हाँ आ सकता हूं। तो स्टालिन ने कहा तुम्हारी तुम्हारे जादू का, तुम्हारी विद्या का चमत्कार तो मैं जब मानूंगा तब मानूंगा जब तुम मेरे पास आ जाओ। उसने कहा देख लेना, आपके पास भी पहुंच जाऊंगा। स्टालिन ने बहुत कठोर व्यवस्था, शासन व्यवस्था थी उसकी, कठोर व्यवस्था, सैनिक सारे चारों तरफ स्ट्रॉन्ग पहरा लगाया और उसने ऑर्डर किया कि कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं घुस सकता है, ध्यान रखना। लेकिन देखते ही देखते वो व्यक्ति स्टालिन के पास पहुंच गया। स्टालिन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा अरे तुम यहां कैसे आ गए? तो उसने कहा ये मत पूछो कैसे आया, बट आ गया ये देख लो। तो जहां संकल्प बल होता है वो व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंच जाता है, उस व्यक्ति को कोई भी बाधाएं रोक नहीं सकती, उसे कोई झुका नहीं सकता। जहां संकल्प कमजोर होता है वहां व्यक्ति की हार होती है। हमारा इतिहास बताता है, इतिहास साक्षी है कि कितने बड़े बड़े युद्ध हो गए और उस युद्ध में भी संकल्प बल मूल काम करता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव विजय बनकर के अपनी नगरी में लौट गए, शासन कर रहे थे, शांति से रह रहे थे। कहते हैं कि एक बार नारद जी कहां पहुंच गए? द्रौपदी के महल में पहुंच गए, द्रौपदी के कक्ष में पहुंच गए। शायद काफी लोगों ने बहुत बार उस घटना को सुना होगा, यार कितने लोगों को, ये मुझे पता नहीं। द्रौपदी के कक्ष में पहुंचे, नारद जी को देख करके द्रौपदी ने उसका अभिवादन तो किया लेकिन नारद जी प्रसन्न नहीं हुए। नारद जी को यह अपमान अच्छा नहीं लगा कि राजमाता द्रौपदी और मेरा उचित अभिवादन नहीं किया, इसलिए उनको गुस्सा आ गया। और नारद जी को तो आप जानते ही, नारद जी का काम क्या होता है? नारद जी का काम क्या है? इधर की बात उधर करना, आप सब जानते हैं। नारद जी का करेक्टर क्यों स्वयं जीते इसलिए याद रहता है, इधर से उधर करना, उधर से इधर करना, तूली लगाने का काम बड़े मास्टर थे। तो नारद जी को जब उनका अपमान अच्छा नहीं लगा द्रौपदी का, तो उन्होंने अपने मन में ठान ली कि मुझे इसका बदला लेना। अब वो ताप में थे कि द्रौपदी का बदला कैसे ले। पांचों पांडव जिस क्षेत्र में रहते थे वह क्षेत्र था भरत क्षेत्र, और भरत क्षेत्र में श्री कृष्ण का बोलबाला था, उनका पूरा दबदबा था। जहां श्री कृष्ण का दबदबा था वहां उनका बाल माका नहीं हो सकता था, इसलिए नारद जी द्रौपदी का अपमान बदला देने के लिए वो कहां गए? धातकी खंड में गए। काफी लोग जानते ढाई का ढाई द्वीप, जानते ना ढाई द्वीप? तो पहला द्वीप कौन सा? जम्बू द्वीप।
दूसरा धात की खंड, तो धात की खंड में गए और धात की खंड में अमरकंथा नाम की नगरी और वहां का राजा पद्मनाभ उसके पास गए और उसके पास जाकर के द्रौपदी का चित्र कोरा, चित्र बनाया और उस चित्र को देख करके पद्मनाभ मोहांत हो गया, उस पर आसक्त हो गया। नारद जी ने कहा, अरे ये चित्र जैसा मैंने बनाया उसे तो कई गुना और कुमारी अच्छी है, वो द्रौपदी इतनी अच्छी है, इतनी रूपवान है, ऐसी रूपवान स्त्री तो तुम्हारे राज्य में एक भी नहीं है। और राजाओं के कान कच्चे होते थे, इतिहास भरा पड़ा है सारा कि कोई किसी पर भी मोहित हो सकता, किसी भी लड़की को उठा के ले जाके चले जाते थे, क्योंकि लड़ाइयां कितने तीन चीजों के लिए होती, उसमें एक चीज कौन सी थी, जोरू, जोरू यानी स्त्री, जर यानी पैसा और जमीन, इसके लिए लड़ाइयां होती थी। अब पद्मनाभ ने सोच लिया कि मुझे उसको अपने महल में लाना है। कैसे लाएंगे, भरत क्षेत्र से धात की खंड में देव माया के बिना तो ला नहीं सकते। तो युधिष्ठिर सोए हुए थे और द्रौपदी को देव माया से वहां से उठाया और भरत क्षेत्र से उठा करके धात की खंड पद्मनाभ के महल में उसको ले जाया। सुबह उठी और देखा कि युधिष्ठिर नहीं है, चौंकी, सामने देखा पद्मनाभ और पद्मनाभ ने कहा, डरो मत सुंदरी, अभी तुम दूसरी नगरी में आ गई हो। और उसने उसको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी पतिव्रता थी और सती थी और उसका सती का प्रभाव, सतीत्व का प्रभाव इतना, और उसने उसको ताड़ा ऐसा और उसने कहा कि तुम जब तक मैं नहीं कहूं तब तक तुम मेरे पास, मेरे हाथ में नहीं, मेरा आंख उठा के मेरे सामने भी नहीं देख सकते हो। इधर वो बात हो गई, इधर पता चला श्री कृष्ण को, मैं बात को लंबाऊ नहीं, पांचों पांडव सहित श्री कृष्ण भी देव माया से धात की खंड पहुंच गए। जब धात की खंड पहुंचे तो ललकारा पद्मनाभ को, रणभूमि में उतर गए। जब रणभूमि में उतरे तो पांडवों ने कहा कि ठहरो, पहले हम सामना करेंगे। जब पांडव सामने आमने सामने हो गए, इधर पांडव उधर कौन, नाम याद रखना, कौन, पद्मनाभ, कहां का राजा, अमरकंथा नगरी, अमरकंथा नगरी का राजा, धात की खंड की अमरकंथा नगरी का राजा। तो वहां आमने सामने हो गए, लेकिन पांडवों ने युद्ध से पहले आह्वान किया, क्या आह्वान किया, अम्मेवा तुभेवा पद्मनाभेवा, अम्मेवा पद्मनाभेवा, वाक्य देखो आप, अम्मेवा पद्मनाभेवा, हम युद्ध करने जा रहे हैं और युद्ध में या तो हम जीतेंगे या पद्मनाभ जीतेंगे। आप ये बताओ कि पांडवों का संकल्प पक्का था कि कच्चा, वो ये कह रहे हैं या तो हम जीतेंगे या पद्मनाभ जीतेंगे, अम्मेवा पद्मनाभेवा, या तो हम या वो, संकल्प कहां कच्चा, उनको अपनी शक्ति पे कहां भरोसा। यदि स्वयं की शक्ति के पर भरोसा हो तो कभी नहीं कहेंगे वो जीतेगा। देखते देखते युद्ध हार गए और श्री कृष्ण आए, फिर कूद पड़े रणभूमि में और श्री कृष्ण ने कहा, अम्मेवा न पद्मनाभे, मैं जीतूंगा, हम जीतेंगे, पद्मनाभ नहीं। और देखते देखते युद्ध जीत गए और द्रौपदी को वापिस लेके आ गए। तो मैं बात संकल्प की कर रही हूं कि जहां संकल्प होता है वहां बाधाएं आती है, समस्याएं आती है, लेकिन उसको आगे बढ़ने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है पथ पर चलने वालों को। कोई भी बाधाएं विपदाएं रोक नहीं सकती, यदि संकल्प पर मजबूत होता है, आत्मविश्वास होता है, वह व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाता है। कुमार जम्बू भी असंभव कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं,
के द्वार पर पहुंच गए, बाहर संतरी बैठी हुई थी, द्वारपाल भी खड़ा था, और उसने दबंग आवाज में द्वारपाल से कहा, द्वारपाल भीतर जाकर के आपके मालिक को सूचना दे दो कि मैं जल्दी से जल्दी मिलना चाहता हूं। द्वारपाल भी हक्का बक्का सा रह गया, वाणी में इतना ओज, वाणी में तो पुद्गल ही तो होते हैं, और पुद्गल ऐसे ही परमाणु ऐसे होते हैं, वही सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं। कुमार की आवाज में भी इतना दम कि द्वारपाल ने कुछ भी नहीं पूछा, हतप्रत रह गया, सीधे भीतर गया और रत्नचूर से कहा, मालिक बाहर एक ऐसा नौजवान छोटा सा बच्चा, बड़ा तेजस्वी, सम्मोहनी मुद्रा, और वो दबंग आवाज में बोला कि मुझे जल्दी मिलना। और आप देखिए, रत्नचूर भी रोक नहीं सका और उसने कहा, आने दो, कौन है वो? और रत्नचूर अंदर, कुमार कहां को, उसका निशाना कहां था, लक्ष्य कहां था? अंदर पहुंचा, छावनी को पूरा पार करके वो रत्नचूर के पास पहुंच गया, उनके कक्ष में आमने सामने हो गया। जब आमने सामने हुए, कुमार खड़ा है और वो राजा विद्याधर रत्नचूर देख करके दंग रह गया और कह रहा, कुछ सोच रहा है, कोई मानव तो नहीं, इतना रूपवान, इतनी सम्मोहनी मुद्रा, लगता है कोई देव माया। और थोड़ी देर उनको देख करके मोहित होकर के पूछा, कौन है, क्यों आए? कुमार जम्बू ने कहा, मैं राजा मृगांक का दूत हूं। क्या बोला? दूत हूं। अब राजा मृगांक तो कुमार जम्बू ने देखा ही नहीं और दूत बन के आ गया। मैं दूत हूं। जब ये बात सुनी तो रत्नचूर ने कहा, अरे तुम कैसे दूत हो, आकर स्टेच्यू के जैसे खड़े हो गए, न कोई अभिवादन किया, न हाथ जोड़े, न सिर झुकाया, दूत की अपनी मर्यादा होती है। आप सब जानते हैं कि दूत की भी मर्यादा होती है। दूत जिस राजा का संदेश लेकर के जाता है वह उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो उसकी भूमिका निभाता है, तो ससम्मान उसको राज दरबार में भी उसको सम्मान मिलता है। जब अंगद राम का दूत बनकर के रावण की सभा में गए तो उसने अभिवादन किया, अंगद ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, अभिवादन किया, लेकिन रावण मद में था, उसने उसको उचित आसन नहीं दिया। तब अंगद ने कहा कि राजन लंकेश्वर, आप इतनी विद्याओं के धनी, त्रिलोक के स्वामी कहलाते हैं, आप अपनी मर्यादा भूल गए, एक मैं दूत बन करके शत्रु का दूत, आपके शत्रु का दूत बन के आया हूं, आपने मुझे उचित आसन भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, आपने उचित आसन नहीं दिया तो मैं अपना आसन स्वयं बना लेता हूं। देखते देखते पूंछ से अपना सिंहासन बना लिया और रावण से ऊपर जाकर के बैठ गए। तो दूत की मर्यादा होती है, और दूत यदि खरी खरी बात कहता है तो राजा की भी मर्यादा होती है कि राजा दूत पर वार नहीं कर सकता, क्योंकि दूत अवध्य होता है, उसको कोई मार नहीं सकता। तो ठीक वैसे ही कुमार अपने आप को क्या कह रहे हैं, मैं दूत हूं और दूत बन के आया हूं आपके सामने। तो राजा को थोड़ा गुस्सा भी आया, उसने कहा, कैसे दूत हो तुम, ना अभिवादन किया, ना हाथ जोड़े, और तुम कह रहे हो मैं शत्रु का दूत, आपके शत्रु का दूत हूं। तो उसने कहा, राजन ये बात सच्ची है, मैं राजा मृगांक का दूत बन के ही आया हूं और मैं उनकी बात ये कहने के लिए आया हूं, आप ध्यान से सुन लो। रत्नचूर को विश्वास नहीं हुआ, उसने वापस किया, क्या है, सत्य है, तुम दूत बन के आए, मुझे नहीं लगता कि तुम दूत बन के आए हो, तुम सच्ची सच्ची बात बता दो कि तुम कहां से आए हो और क्यों आए हो। दो प्रश्न पूछे, कहां से आए, क्यों आए। कुमार जम्बू बड़ा स्मार्ट था, दूत
जब ये दो प्रश्न पूछे तो कुमार जंबू ने कहा, राजन मैं कहां से आया ये नहीं बताऊंगा, बट मैं क्यों आया हूं ये डंके की चोट बताऊंगा। और सुन लो ध्यान से, मैं इसलिए आया हूं कि आप जो युद्ध की बात कर रहे हैं, मैं शांति दूत बन के आया हूं, उस बात को आप छोड़ दें। जिस कन्या के लिए आप युद्ध कर रहे हैं, ये सारा युद्ध किसके लिए हो रहा है? लड़की के लिए, ब्रिगाम की बेटी के लिए हो रहा है। जिस कन्या के लिए आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वो बात आप छोड़ दो, ये गलत है। आप जिसके लिए कदम बढ़ा रहे हो, आप अनीति के रास्ते पे जा रहे हो, आप अधर्म के रास्ते पे जा रहे हो, और मेरा लक्ष्य एकमात्र यही है कि धर्म का संदेश, नीति की बात, सत्य की बात आप तक पहुंचाऊं। तो मैं तो आपको प्रतिबोध देने के लिए आया हूं, आपको समझाने के लिए आया हूं। बंधुओं, दो चीज होती है, दो शब्द आते हैं हमारे शास्त्र में, इतिहास में, एक दूत और एक है अवधूत। दोनों में बड़ा अंतर होता है, दूत और अवधूत। अवधूत किसी को पता है? दूत और अवधूत में क्या अंतर है? दूत जो होता है वो मैसेंजर होता है, मैसेज पहुंचाता है। अवधूत होता है वह शिक्षा देता है, सीख देता है। ये अपने आप को जम्मू कुमार क्या कह रहा है? दूत। और बन क्या गया है? अवधूत बन गया। ये तो सीख देने लग गया, और सीख देने का मतलब है समाचार ही नहीं। मृगांक ने क्या कहा वो तो कही नहीं रहा है, तो उससे मिला ही नहीं, वो तो उसको समझाने लग गया। तो दूत और अवधूत में बड़ा अंतर होता है। ये कुमार दूत बन के आया, ये अवधूत का काम कर रहा है और उसको सीख दे रहा है कि संग्राम से मत बंद कर दो, और शांति से तुमको जीना है तो चुपचाप अपने प्रदेश में वापिस चले जाओ। जब ये बात कही तो रत्नचूर ने सोचा, अरे इस युवक के पास न अस्त्र है न शस्त्र है, फिर भी ये बोल रहा है, एक एक शब्द का प्रहार मेरे मस्तिष्क पे लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मानो ये तो मेरे सिर पर वार कर रहा है और मेरा सिर भारी हो रहा है। बंधुओं, हमारे आगमों में जैन आचार्यों ने लिखा है कि वाक शक्ति का भी बड़ा महत्व होता है, और अनेक लब्धियां होती हैं, अनेक लब्धियों में एक लब्धि होती है वाक लब्धि, वचन की लब्धि, और जिसके पास वचन की लब्धि होती है उसको बोलते हैं आस्य विष लब्धि। उस लब्धि का नाम है आस्य विष लब्धि। आस्य विष लब्धि यानी वाणी जिसकी सिद्ध हो जाए उसके पास ये लब्धि आ जाती है आस्य विष, और वो शब्द बोलता है तो उसे आग्रह भी हो सकता है, उससे अनुग्रह भी हो सकता है, सॉरी आग्रह नहीं, अनुग्रह भी हो सकता है, और उसे निग्रह भी हो सकता है। यानी वह शब्द बोलता है तो एक शब्द से सामने वाला व्यक्ति का कल्याण भी हो सकता है और सामने वाला व्यक्ति का संहार भी हो सकता है। तो वो ऐसा प्रहार कर रहा है रत्नचूर पर कि रत्नचूर को भी वो असमंजस में पड़ गया। ये क्या माया है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, लेकिन वाणी से बोलता है और ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है। जब रत्नचूर ने कहा कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब कुमार ने कहा, विद्याधर राजन ध्यान से सुन लो, यदि आप शांति नहीं चाहते, यदि आप चुपचाप अपने प्रदेश में लौटना नहीं चाहते, तो हमारे महाराज ने कहा, ठहरवाया है, मैसेज है राजा मृगांक का कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, कल हमारा युद्ध होगा। जबकि मृगांक तो छिपके बैठा है, मृगांक अपनी छावनी में अपने महल में छिप करके बैठा है, उसको तो पता नहीं, लेकिन कुमार कह रहा है कि हमारे राजा का यह संदेश है कि यदि तुम शांति से नहीं मानते हो और वापिस नहीं लौटते हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हमारा मिलन युद्ध में होगा। अब मिलन कैसे होगा अगले प्रसंग में हम सुनेंगे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम नारायण, ओम।